प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस मीन्स बेकार परफॉर्मेंस, रिटर्न्स खास आ नहीं रहा है, तो इस तरह के फंड से क्या हमें इमीडिएटली निकल जाना चाहिए, तो इस वीडियो में आगे मैं आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप के कुछ फंड्स का एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही ऑथेंटिक डिटेल्स मिलते हैं। तो पहली बार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा कब निकालना चाहिए, तो देखिए इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए आपका गोल अचीव हो गया ना, आपने 10 इयर्स का कुछ गोल बनाया था, अचीव हो गया, ऑफकोर्स आप पैसा निकाल लेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी में अगर कुछ पैसे की ज़रूरत हो, मान लीजिए आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, उसके बाद भी पैसे का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इमरजेंसी फंड से काम नहीं चलेगा, वहाँ भी आपको पैसा निकालना पड़ेगा। या उसके बाद सपोज आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया ना, आपने रिस्क प्रोफाइल चेक नहीं किया, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन सही से चेक नहीं किया, बिना सोचे समझे गलत फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहाँ भी अगर उस तरह का गलती हुआ है तो हम ऑफकोर्स रिडेम्पशन करेंगे। देखिए ये सब कुछ पॉइंटर्स हो गए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और जानना चाहिए, वो है अंडर परफॉर्मेंस। आप लोगों का बहुत सारा क्वेरीज आता है इसके रिगार्डिंग कि फंड अच्छा नहीं कर रहा है, निकल जाए, होल्ड करे, कब तक होल्ड करे, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो मोस्टली उस सारे कंफ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में कंप्लीटली दूर कर दूंगा। तो देखिए अंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, तो देखिए अंडर परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंड जब अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ज़्यादातर होराइजन में बीट नहीं कर पाए, तो उस तरह के फंड को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये बेंचमार्क क्या होता है, फिर बेंचमार्क को बीट करना ज़रूरी क्यों है, तो ये बिल्कुल मैं आपको बताने जाऊँगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड्स क्या होते हैं। तो देखिए एक्टिव फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जिसको फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं, लाइक बेसिस मार्केट कंडीशन उसमें चेंजेस लाते हैं, स्टॉक्स बेचेंगे खरीदेंगे, तो मार्केट कंडीशन जैसा हो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। जबकि पैसिवली मैनेज्ड फंड दैट इज़ इंडेक्स फंड वैसे फंड्स होते हैं जबकि फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, सिंपली एक इंडेक्स है उसको फॉलो करते हैं, इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं जिस प्रोपोर्शन में वहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया उसको सिंपली फॉलो करेंगे, तो वहाँ एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। तो देखिए जब भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर इसे एक्टिवली मैनेज कर रहा है इसलिए चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जब आप चार्ज ज़्यादा ले रहे हो तो हमारा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ये होना चाहिए कि रिटर्न आप थोड़ा ज़्यादा जनरेट करो, क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड की तरह ही रिटर्न जनरेट कर रहे हो तब फिर मैं ज़्यादा आपको पे क्यों करूं, क्योंकि इंडेक्स फंड में तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन में इंडेक्स या फिर बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा हूँ, आपके म्यूचुअल फंड जर्नी में हमेशा काम आएगा, अच्छी तरह से समझ लें। देखिए यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स किसे बोलते हैं ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वैसे स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है ना, टॉप 100 कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज, उन्हें हम लार्ज कैप की कंपनीज बोलते हैं। उसके नीचे के 150 कंपनीज जो हैं मार्केट कैप वाइज 100 to 250, उसे हम मिड कैप की कंपनीज बोलते हैं। और 250 के नीचे दैट इज 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें हम स्मॉल कैप की कंपनीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनीज हैं, रिस्क सबसे कम है, रिस्क यहाँ भी है, सारे इक्विटी फंड्स में रिस्क होता है, सारे इक्विटी के स्टॉक्स में रिस्क होता है, लेकिन हाँ रिलेटिवली रिस्क लार्ज कैप में थोड़ा कम होता है, मिड कैप में रिस्क बढ़ेगा और स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। आजकल आप माइक्रो कैप भी सुनते होंगे ना, तो स्मॉल कैप का ही पार्ट है माइक्रो कैप, लेकिन हाँ 500 के नीचे के जो स्टॉक्स हो गए उन्हें आप माइक्रो कैप के स्टॉक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क किसे बोलते हैं, तो सपोज आप लार्ज कैप के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप का फंड वैसा फंड होता है जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे बेंचमार्क होगा निफ्टी 100, तो 100 का मतलब हुआ टॉप 100 स्टॉक्स। तो
कोई भी आप फंड देखेंगे ना लार्ज कैप का, तो उसका बेंचमार्क ये होगा। तो देखिए बेंचमार्क आपको कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप लोग हमेशा क्वेरी आता है बेंचमार्क कहाँ से पता चलेगा, रिटर्न्स कहाँ से पता चलेगा बेंचमार्क। कोई भी अच्छे क्वालिटी का वेबसाइट है, वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको बेंचमार्क और बेंचमार्क का रिटर्न भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लें। उसी तरह से मिड कैप, मिड कैप का बेंचमार्क क्या होगा, निफ्टी मिड कैप 150। देखिए यहाँ पे 150 स्टॉक्स होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया लार्ज मिड स्मॉल, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो और स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स होते हैं, तो 250 मतलब क्या हुआ कि 251 टू 500 मार्केट कैप वाइज। तो स्मॉल कैप के फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या हुआ, लार्ज कैप का 100 स्टॉक्स और मिड कैप का 150 स्टॉक्स, इसीलिए 250 आया। तो 250 में लार्ज कैप का 100 और मिड कैप का 150 स्टॉक्स हो गया। फ्लैक्सी कैप तो आपको पता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, इसीलिए 500 मतलब कि मार्केट कैप वाइज जो टॉप 500 कंपनीज है वहाँ पर इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होगा। तो टॉप 500 का मतलब क्या हुआ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ इसमें आ गया। मल्टी कैप देखिए, यहाँ भी निफ्टी 500, तो ये भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन लार्ज कैप में एक्सपोजर देखिए, यहाँ पे ये जो बेंचमार्क है ये 50-25-25 है, इसमें लार्ज कैप का 50%, मिड कैप का 25% और स्मॉल कैप का 25% एक्सपोजर है। मल्टी कैप फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का 25% वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट मोस्टली आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ कुछ फंड्स के बारे में जान लेते हैं ना, कि अंडर परफॉर्मिंग फंड हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए ये है लार्ज कैप के कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस। ऊपर देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI प्रूफ ब्लू चिप फंड। तो देखिए यहाँ पे आप 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स चेक कर सकते हैं और बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए बेंचमार्क में आपको दो तरीके का रिटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे 32.8 दिख रहा है, यहाँ पे 33.84, क्योंकि यहाँ पे दो बेंचमार्क है, एक NSE का बेंचमार्क है, एक BSE का बेंचमार्क है, इसीलिए रिटर्न्स थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, सारे होराइजन्स में ही दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया, कंपेयर करें रिटर्न, हाँ सारे होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं दोनों ही फंड्स, इसीलिए इन फंड्स को करंट परफॉर्मेंस वाइज हम अच्छा फंड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड फंड SBI ब्लू चिप फंड, यहाँ देखिए अंडर परफॉर्मेंस है, बीट नहीं कर पा रहा है, बीट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे भी देखिए बीट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे बीट कर पा रहा है 10 ईयर होराइजन में। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए 5 ईयर में बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 ईयर में भी बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, हाँ 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस है। तो देखिए इस तरह के फंड ऑफकोर्स यार थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस तो है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है 1 ईयर को अगर छोड़ दिया जाए, तो इस तरह के फंड्स को आइडियली हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। वॉच लिस्ट में आप रखें कि मैं इसे रेगुलरली ट्रैक करूंगा, अगर कुछ समय बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आता है तब कॉल लूंगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह के फंड से कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कि कोई भी फंड शॉर्ट टर्म के लिए अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है, ये सारे CAGR रिटर्न है। अगर कोई फंड 1-2 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस करता है तो उसके कारण आप देखेंगे कि उसका इवन 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न भी हिट होता है, क्योंकि एवरेज रिटर्न्स है ना, इसीलिए। तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से परेशान नहीं होना चाहिए, ट्रैक कीजिए, इसीलिए तो पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं ना। तो इस तरह के फंड को हम एवरेज फंड बोलते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, बट इमीडिएटली कॉल नहीं लेना चाहिए। जबकि नीचे के दो फंड्स अगर आप देखें तो दोनों में अंडर परफॉर्मेंस आपको बहुत मिलेगा। देखिए बेंचमार्क के मुकाबले लगातार अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है दोनों ही फंड्स में। तो इस तरह के फंड्स को ही हम अंडर परफॉर्मिंग फंड बोलते हैं, जो कि लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के फंड्स को हमें का डिटेल रिव्यू करना चाहिए, क्या डिटेल रिव्यू करना चाहिए, भाई अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है वो जो कंडीशंस हैं वो नियर फ्यूचर में चेंज करेंगे कि नहीं। अगर नियर फ्यूचर में भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं लगता है कि कोई परफॉर्मेंस वापस आएगा, तो वहाँ पर ऑफकोर्स हम कॉल ले सकते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि अच्छे फंड किसे बोलेंगे, एवरेज फंड किसे बोलेंगे, अंडर परफॉर्मिंग फंड किसे बोलेंगे। यहाँ पे देखिए आप लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस, हाँ ये देखिए मैंने रेट किया इन दोनों फंड्स का, आप खुद परफॉर्मेंस देखिए, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि अंडर परफॉर्मिंग कौन सा है और अच्छा परफॉर्मेंस किसका है। और एवरेज फंड, एवरेज फंड मीन्स पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और टाइम दे सकते हैं। तो देखिए आप क्लियरली पता चले, आदित्य बिरला आप देखिए ना, सारे होराइजन्स में आप रिटर्न्स चेक किए, बेंचमार्क से कितना कम रिटर्न है सभी जगह। फ्रैंकलिन देखिए,
रिटर्न्स देखिए आप बेंचमार्क के मुकाबले कितना कम रिटर्न, तो बिल्कुल ये दोनों अंडर परफॉर्मिंग फंड है। यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल रिव्यू करेंगे, पता लगाएंगे क्या चल रहा है, अगर लगता है कि नहीं परफॉर्मेंस वापस नहीं आएगा तो आने वाले समय में हम कॉल ले सकते हैं। केन्ना रूबी को देखिए आप, हाँ यहाँ पे देखिए अंडर परफॉर्मेंस कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, अंडर परफॉर्मेंस है ज़्यादातर होराइजन्स में, लेकिन थोड़ा बहुत बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो इस तरह का फंड अगर एक साल भी अच्छा रिटर्न लेकर आता है तो मोस्टली एवरेज रिटर्न इसका अच्छा हो जाएगा और सारे होराइजन्स में आप देखेंगे परफॉर्मेंस वापस आ गया। तो यहाँ पे इस तरह के फंड्स पे इमीडिएटली कॉल नहीं लेना चाहिए मेरे अगर एसेट लार्ज एंड मिड कैप, वही चीज़ है। देखिए अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ भी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, रिटर्न्स वापस आएगा तो मोस्टली एवरेज रिटर्न्स ठीक ठाक हो जाएंगे। जबकि बंधन का देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वांट का लार्ज कैप, तो ये सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैंने तीनों तरह के फंड्स को इंक्लूड किया ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये देखिए फ्लैक्सी कैप, हाँ खुद से पहले आप देख लीजिए, आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि नहीं। एक्सिस फ्लैक्सी कैप, PGIM, UTI का परफॉर्मेंस देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले। जबकि केन्ना रूबिको का परफॉर्मेंस देखें बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस यहाँ भी देखिए 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए 3 ईयर में ज़्यादा नहीं है और 5 ईयर और 10 ईयर में तो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। थोड़ा टाइम देना चाहिए, वापस आएगा, रिटर्न आएगा, फिर से बीट करने लगेगा। उसी तरह से क्वांट का परफॉर्मेंस तो खैर बहुत अच्छा है, क्वांट का तो ज़्यादातर फंड्स ही अच्छा करते हैं। पराग पारेख का देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, आप लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा देखिए अंडर परफॉर्मेंस आया, परेशान हो गए, तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना, ये सब तो अंडर परफॉर्मेंस बोलना भी नहीं चाहिए, बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास रिटर्न है और 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर तो बहुत अच्छा रिटर्न है, तो अच्छे फंड्स हैं। तो देखिए ये आइडिया आपको होना चाहिए कैसे आप डिसाइड करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन, ये देखिए मल्टी कैप, इन दोनों को अगर आप देखेंगे ऊपर का तो बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न है, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, टाइम देना चाहिए, वापस आ सकता है। जबकि नीचे के तीनों फंड देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिड कैप का, मिड कैप में देखिए हाँ बहुत सारे अंडर परफॉर्मेंस आपको वाले फ़ंड मिल जाएंगे और कुछ एवरेज फंड भी आपको मिल जाएंगे और कुछ टॉप परफॉर्मेंस वाले भी आपको फ़ंड मिल जाएंगे। अब तो आप खुद ही देख कर डिसाइड कर सकते हैं मोस्टली। तो देखिए यहाँ पे अगर एवरेज फंड है तो ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, अच्छा फंड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 2 ईयर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है रिव्यू के बाद कि परफॉर्मेंस वापस आएगा, कॉल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी देखें ना कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल कौन सा है, वो ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ है या फिर वैल्यू है, ब्लेंडेड है, क्या है, उसके कारण तो अंडर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, वो आपको पता होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखें फिलहाल क्या हो रहा है, लार्ज कैप के ज़्यादातर फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दैट इज़ बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारे अंडर परफॉर्मिंग फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखिए अगर एक साल में कोई थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, 1-2 साल में रिटर्न्स आएगा ना, मिड कैप स्मॉल कैप में आपको पता है अगर मार्केट फेवरेबल है तो रिटर्न ज़्यादा आता है, ज़्यादा रिटर्न आएगा, एक बार में सब कवर अप कर लेगा, तो जल्दबाजी में हमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स को नहीं बेचना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान में रखें। और स्मॉल कैप देखिए यहाँ पे आदित्य बिरला का परफॉर्मेंस देखिए, अंडर परफॉर्मेंस है ना सारे, 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में भी है, 1 ईयर में भी है, 10 ईयर में तो खैर बीट कर पा रहा है। एक्सेस देखिए यहाँ पे देखिए अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 1 ईयर का ज़्यादातर अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में देखिए बेंचमार्क के आसपास ही है, 5 ईयर 10 ईयर में तो बीट कर पा रहा है। देखिए केन्ना रूबिको, एडिलवाइस, कोटक, SBI, टाटा, ये सारे बहुत अच्छे फंड अभी भी बोल सकते हैं, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है फिर भी, क्योंकि पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बहुत अच्छा हुआ करता था। तो देखिए अभी तो मिड कैप स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर कोई फंड उस कारण थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स को नहीं बेचें। यहाँ पे भी ऑफकोर्स ऑल्दो ज़्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छा है, निपॉन और क्वांट का। देखिए यहाँ भी निपॉन कोई लोग कुछ लोग देखेंगे यहाँ परेशान हो जाएंगे, सर यहाँ तो अंडर परफॉर्मेंस, देखिए ये बिल्कुल कंसर्न नहीं, देखिए आप ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, ये थोड़ा बहुत है ना, 1-2 महीने में ही हो सकता है वापस आ जाए। हाँ तो इस तरह का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से प्लीज़ परेशान नहीं होना चाहिए। किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड से हमें कब निकालना चाहिए ना, कुछ दिनों के अंडर परफॉर्मेंस पे, कुछ महीनों के अंडर परफॉर्मेंस पे या कुछ सालों के अंडर परफॉर्मेंस पे, तो मोस्टली 2 ईयर्स का कट ऑफ आप रख सकते हैं ना, अगर कोई फंड 2 ईयर्स के बाद भी
अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, मतलब लगातार 2 साल से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप कॉल ले सकते हैं कि फ़ंड के साथ क्या करना है। देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ थोड़ा बहुत अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो वहाँ पे कॉल ना लें, वहाँ पे उस तरह के फंड्स को थोड़ा और टाइम दें, क्योंकि आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे होता है, कैसे होता है इन्वेस्टमेंट। देखिए फंड मैनेजर्स और जो रिसर्च टीम होता है वो अपना रिसर्च करते हैं, कुछ सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, कुछ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो कई बार ये जो सिलेक्शन है वो सही जाएगा, कुछ टाइम्स ये गलत भी जाएगा। तो इसीलिए कितना भी अच्छा फंड क्यों ना हो, अगर आप उसका कई सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर आता है। अंडर परफॉर्मेंस उस समय आएगा जब उन्होंने जो सेक्टर्स या स्टॉक्स को सेलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए वो जो सिलेक्शन है कुछ समय के लिए अगर गलत हो जाए। तो देखिए अच्छा फंड उसे बोलते हैं जहाँ की जो सिलेक्शन है वो ज़्यादातर कंडीशंस में अच्छा रहे, लॉन्ग टर्म तक अच्छा रहे, बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर गलती होती है जिसके कारण थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता है, बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। जब भी कोई फंड अंडर परफॉर्म करे तो जल्दबाजी में नहीं निकले, आप उसका डिटेल रिव्यू करें, देखें उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, ग्रोथ है, वैल्यू है, ब्लेंडेड है, कहीं उसके कारण तो अंडर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। और ऐसा तो नहीं कि आप निकले और उसके बाद उस स्टाइल का रिटर्न्स वापस आ गया तो अननेसेसरी है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें, मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे इस फंड को बेचना ही है, लंबे समय से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता कि परफॉर्मेंस आएगा, तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब तक आपने उसका ऑल्टरनेटिव सोच नहीं लिया, मतलब कि इसको बेचने के बाद आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब तक नहीं बेचें। पहले आप डिसाइड कर लें कि ये जो आप बेच रहे हैं जो पैसा आएगा मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो वहाँ पे आप बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी फंड को बेचने से पहले टैक्सेशन का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वहाँ पर रिटर्न जनरेट हुआ तो टैक्स तो लगेगा। एग्जिट लोड का ध्यान रखें, अगर एग्जिट लोड के अंदर है वो फंड तो एग्जिट लोड आपको लगेगा। साथ ही ध्यान रखें कि एक बार आपने बेच दिया तो जल्दी से जल्दी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मान लीजिए आपने बेच तो दिया लेकिन इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, कई महीनों तक आपने पैसा ऐसे ही रखा हुआ है और पता चला कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑफकोर्स आपको लॉस हो रहा है ना, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप मिस आउट कर रहे हैं। तो अगर आप बेच रहे हैं तो फंड को पहले ही सेलेक्ट करके रखें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और फिर जल्दी से जल्दी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। ऑफकोर्स मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड है तो मे बी 3-4 ट्रांचेज में आप इन्वेस्ट करें या फिर 6 मंथ्स का STP करें, लेकिन अगर मार्केट का वैल्यूएशन ठीक ठाक है तो कोशिश करें लमसम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर दें ताकि कंपाउंडिंग पे आप नहीं मिस आउट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कोई वैल्यू एडिशन हुआ है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा आपके क्वेरी को आंसर करने का। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।